अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन विंड एनर्जी, लेक्चर नंबर नाइन, नाइन्थ क्लास, विंड एनर्जी। विंड मूविंग एयर को कहते हैं, चलती हुई हवा को हम विंड कहते हैं, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। विंड एनर्जी हमारे पास, विंड हैज़ बीन यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। मूविंग एयर ये भी हमारे लिए एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, हम इसको डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं फॉर सेंचुरीज, कई सदियों से। इट हैज़ पावर्ड सेलिंग शिप्स अक्रॉस द ओशन। हाँ जी, शिप्स एंड सब मैराइंस, शिप्स जो समंदर में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, पानी के ऊपर तैरती हैं जो, और पानी के अंदर भी, तो जो पानी के ऊपर चलेंगी उसे हम शिप्स कहेंगे, और जो पानी के ऊपर और पानी के अंदर भी चलेंगी उसे हम सब मैराइन कहते हैं। तो उनको वो विंड एनर्जी के ज़रिए पावर हासिल करती हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। इट हैज़ पावर्ड सेलिंग शिप्स अक्रॉस द ओशन। इट हैज़ बीन यूज विंड मिल्स टू ग्राइंड ग्रेन्स। दानों को पीसने के लिए विंड मिल्स इस्तेमाल की जाती हैं, जो हवा के ऊपर, ऐसी मिल्स जो हवा के ऊपर, चलती हुई हवा के ऊपर ऑपरेट करती हैं, और वो ग्राइंड ग्रेन्स, दानों को पीसने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। एंड पंप वाटर, और वाटर को पंप करने के लिए भी विंड एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। मोर रिसेंटली विंड पावर इज यूज टू टर्न विंड टर्बाइंस। मोर रिसेंटली जो विंड एनर्जी का यूज़ है वो टर्बाइन को चलाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। टर्बाइंस भी विंड एनर्जी के ऊपर ऑपरेट कर सकती हैं। ये इसके यूजेस आ जाएंगे विंड एनर्जी के। वैन मैनी विंड मशीन्स आर ग्रुप्ड टूगेदर ऑन अ विंड फार्म्स, दे कैन जनरेट एनफ पावर टू ऑपरेट पावर प्लांट्स। बहुत ज़्यादा विंड मशीन्स को इकट्ठा करके, मीन उनकी पावर को इकट्ठा करके पावर प्लांट को ऑपरेट किया जा सकता है। मीन विंड एनर्जी इतनी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है कि आप छोटे छोटे विंड मशीन्स को इकट्ठा करके उनकी पावर को कंबाइन करके आप एक पावर प्लांट को चला सकते हैं। इन यूनाइटेड स्टेट्स सम विंड फार्म्स जनरेट मोर देन 1300 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी अ डे। यूनाइटेड स्टेट्स में, यूएस स्टेट में एक दिन में 1300 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है एक दिन के अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी है। मीन हमारे पास तो इस चीज़ का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि हमने विंड एनर्जी को किस तरह से इस्तेमाल करना है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है इसका। लेकिन आउट ऑफ कंट्रीज़ के अंदर, जैसे उसने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर 1300 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अ डे एक दिन के अंदर प्रोड्यूस की जाती है बाय यूजिंग विंड एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए। इन यूरोप मैनी विंड फार्म्स रूटीनली जनरेट 100 मेगावाट्स आर मोर इलेक्ट्रिसिटी अ डे। यूरोप में भी 100 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी या फिर इससे थोड़ा सा ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है एक दिन के अंदर। तो ये हमारे पास विंड एनर्जी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, और उसके यूजेस थे, और उससे इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस की जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास जियोथर्मल एनर्जी। जियो अर्थ को कहते हैं, थर्मल हीट को, एनर्जी मीन अर्थ भी हमारे पास एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। कैसे? इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड अर्थ प्रोवाइड्स अस हॉट वाटर फ्रॉम गीजर्स एंड हॉट स्प्रिंग्स। अब गीजर्स और हॉट स्प्रिंग्स क्या हैं जी? ज़मीन का वो हिस्सा जो बहुत ज़्यादा डीप, गहरा, और उसका टम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो वो अचानक से क्या होता है कि ज़मीन फटती है, और वो जो हाईली कंडक्टिंग स्टेट में मैटर होता है वो बाहर की तरफ आता है। मैटर वो लिक्विड फॉर्म में होता है, गाढ़ापन होता है उसका, जिसे हम लावा कहते हैं, मैग्मा। हाईली कंडक्टिंग स्टेट में ज़मीन की क्रस्ट को, तह को फाड़ के बाहर की तरफ आता है, जिसे हम गीजर्स कहते हैं। देयर इज़ ए हॉट मोल्टन पार्ट डीप इन द अर्थ
कॉल्ड मैग्मा. वाटर रीचिंग क्लोज टू मैग्मा चेंजेस इनटू स्टीम ड्यू टू हाई टेम्परेचर ऑफ मैग्मा. ज़मीन के नीचे गहराई में, काफ़ी गहरा, सम पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड की बात हम कर रहे हैं जहाँ पर रॉक्स चट्टाने होती हैं हाईली कंडक्टिंग स्टेट में, जिनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर हम ड्रिलिंग मशीन करके वाटर को पाइप किया जाता है, पानी को पहुँचाया जाता है. पानी क्लोज टू मैग्मा, मैग्मा के करीब जैसे पहुँचता है तो हीटअप हो जाता है, गर्म हो जाता है, जिसको हम डायरेक्टली डिफरेंट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. दिस एनर्जी इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी. ऐसी एनर्जी जो हम ज़मीन से जियोथर्मल ऑब्टेन करते हैं, अर्थ से ऑब्टेन करते हैं, उसे हम जियोथर्मल एनर्जी कहेंगे. तो ये इसकी डेफिनेशंस में आ जाएगा. जियोथर्मल वेल कैन बी बिल्ट अप, हाँ जी, बाय ड्रिलिंग डीप नियर हॉट रॉक्स वेयर मैग्मा इज नॉट वेरी डीप. जहाँ पर मैग्मा बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं होता, तो उस पर्पस के लिए पहले एक वेल बनाया जाता है, एक कुआं बनाया जाता है. इस तरह से ड्रिलिंग मशीन करके एक वेल अप वेल बनाया जाएगा जहाँ पर जो मैग्मा है बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं होगा. वाटर इज देन पुश डाउन इनटू वेल. पानी को पुश किया जाएगा उस वेल के अंदर, उस कुएं के अंदर. देन द रॉक्स क्विकली हीट द वाटर एंड चेंजेस इट इनटू स्टीम. वो जो जियोथर्मल वेल हम बनाएंगे, वो जो हम वेल कुआं बनाएंगे जहाँ पर मैग्मा बहुत ज़्यादा गहरा नहीं होगा, हम उस वेल के अंदर वाटर को पुश करेंगे. वाटर को पुश किया जाएगा डिफरेंट पाइप्स के ज़रिए. जब डिफरेंट पाइप्स के ज़रिए हम वाटर को पुश करेंगे तो वाटर मैग्मा के करीब से जैसे जाएगा, और मैग्मा जो है लावा जिसे हम कहते हैं, बहुत हाईली कंडक्टिंग स्टेट में जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो वो वाटर को हीटअप कर देगा, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर देगा. तो वो स्टीम्ड वाटर को हम पाइप आउट करके बाहर निकाल के हम डिफरेंट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की कर सकते हैं. द स्टीम कैन बी पाइप्ड डायरेक्टली इनटू हाउसेज एंड ऑफिसेज फॉर हीटिंग पर्पज़. हम उस स्टीम को पाइप करके डायरेक्टली किस पर्पज़ के लिए हाउसेस के अंदर लेके जा सकते हैं, वो कुकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है उस हीटेड वाटर को. एंड ऑफिसेस फॉर हीटिंग पर्पज़, और ऑफिसेस वगैरह में हीटिंग पर्पज़ के लिए. या फिर हम ये कर सकते हैं कि वो जो स्टीम्ड वाटर होगा हमारे पास, जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, उसको हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इट मीन्स ये जो हमारे पास हीट एनर्जी होगी जो हम ऑब्टेन करेंगे जियोथर्मल से, जियोथर्मल वेल से, उसको फिर हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं. फिर इलेक्ट्रिसिटी को डिफरेंट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. तो ये कुछ हमारे पास सोर्सेज ऑफ एनर्जी थे जिनको हमने डिस्कस किया, जैसे विंड एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी. आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन था. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे. अल्लाह हाफिज़.